मित्रों, आज मुझे एक चीज रियलाइज हुई जब मैं मार्केट जा रहा था पैदल कि मैं गाड़ी क्यों नहीं लाया साथ में। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम कितने डिपेंडेंट हैं व्हीकल्स के ऊपर। और उससे भी मजे की बात, ये डिपेंडेंसी तब तक काम करेगी जब तक आपके पास ईंधन है, लेकिन उसके बाद आपको सहारा लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जो कि अब चालू हो गया है। और बजट 2022 में ईवी सेक्टर पे भी ध्यान रखा गया है। तो ये बात तो साफ है भैया, ईवी सेक्टर आगे जाके बूम लाने वाला है इंडस्ट्री के अंदर। टेस्ला, सैमसंग, शाओमी, हुआवी जैसी कंपनीज भी ईवी सेक्टर इंडिया के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या हमें इसकी जरूरत है? क्या इंडिया तैयार है इसके लिए? और ऐसे कुछ यूनिक आइडियाज मैं आपको बताऊंगा जो आप ईवी सेक्टर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। वैसे ब्लॉकचेन और NFT पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ऊपर आए बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इंतजार कर रहे हैं आपका। अब भैया, बिजनेस चालू करने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ये बिजनेस, क्यों ईवी सेक्टर रिक्वायर है इंडिया के अंदर। हम अवेयर हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से, जो कि डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज पे असर करता है, और यही इफेक्ट सबसे ज्यादा लाता है मोटर व्हीकल्स अपनी गैस इमिशंस के साथ। ठीक है यार, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और हमें ये भी पता चल गया कि ईवी ही एकमात्र ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा ये इको फ्रेंडली है, हम जानते हैं। हाई एफिशिएंट, लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस और सेफ टू ड्राइव है। लेकिन इंडिया इसके लिए तैयार है कि नहीं? हम करंट सिचुएशन जानते हैं पेंडेमिक की, जिससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, और इसी की वजह से ईवी सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को एक बूस्ट मिला। आपको जान के हैरानी होगी, लॉकडाउन के पहले मोटर व्हीकल्स का जो कंजम्पशन था वो 85% था, यानी हर 10 में से 6 लोग आपके आसपास कुछ ना कुछ मोटर व्हीकल खरीदते थे। और जैसे ही लॉकडाउन आया वो आंकड़ा गिर गया सीधा 32% से भी नीचे। और उसी वक्त टेस्ला ने अनाउंस किया कि हम इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाहते हैं, और इससे बूस्ट मिला हमारे इंडियन स्टार्टअप्स को। उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ने वाली है, क्योंकि लोगों ने भैया एक साल से खरीदे ही नहीं है। और उसी वक्त लोग अवेयर भी हो गए कि एनवायरमेंट इश्यू से क्या क्या हो सकता है, तो इस सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट मिला। और बजट 2022 में ये बात साफ हो गई कि इस सेक्टर की तरफ अब गवर्नमेंट भी देख रही है। अब आइडियाज की हम बात करें तो ज्यादातर वीडियोस में आपको यही देखने को मिलेगा कि यार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाओ, डीलर्स के साथ अपन फ्रेंचाइजीज खोल सकते हैं, चार्जिंग स्टेशन बनाओ, बैटरी स्वैप और बैटरी स्क्रैप हब्स बनाओ कि ताकि भैया बैटरी खत्म हो जाए तो दूसरी बैटरी जल्दी से हम ला सकें, एकदम वैसे ही जैसे कैमरास की बैटरी काम करती है, आप एक को चार्ज करने के लिए रख देते हैं और एक को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है यार, ये तो है, जरूर है, और ये पहली जरूरत भी रहेगी, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब जानते हैं, आपको इससे हटके सोचना पड़ेगा, तो उसी का जवाब ये वीडियो है। चालू करते हैं अपने वीडियो को टॉप 6 से। देखो, ये सबसे बेसिक लेवल से हम शुरुआत करते हैं, फ्लीट ऑपरेशंस। अब ये क्या चीज है ईवी सेक्टर के अंदर? आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि ईवी सेक्टर का जो कनेक्शन है वो टूरिज्म और एविएशन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। उसमें से निकल के आते ही ये टर्म फ्लीट ऑपरेशंस। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो बेड़ा उठाना। एग्जांपल के तौर पे ई बाइक गो एक इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी है, एक रेंटल कंपनी है, जिसने रेज किए हैं $3 लाख और उसमें से उन्होंने बिल्ड किए हैं 2 लाख ई बाइक्स फ्लीट के ऊपर 100 से ज्यादा इंडियन सिटीज के अंदर। यहाँ पर मैट्रिक्स के हिसाब से फ्लीट दी जाती है, यानी 2 वॉट फ्लीट टूरिस्ट रेंटल्स के लिए, कमर्शियल यूज के लिए या होम डिलीवरीज के लिए आप रेंट कर सकते हैं अपने ई व्हीकल को, या 3 वॉट फ्लीट के लिए आप कार्गो डिलीवरी, लास्ट माइल डिलीवरी, स्मॉल स्केल्स कार्गो ये सब डिलीवर कर सकते हैं, और बाकी 4 वॉट प्लस फ्लीट पैसेंजर टैक्सीज के लिए। तो इसकी एक रेंटल सर्विसेज चालू हो चुकी हैं। कुछ अगर मैं एग्जांपल्स दूं आपको स्टार्टअप्स के, तो गति, स्मार्ट ई, ब्लू स्मार्ट, लिथियम अर्बन, जूम कार, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप जरूर इसको चेकआउट कर सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है हमारा रेट्रोफिटिंग। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2040 वो साल होगा जहां पर हमारी सारी पेट्रोल गाड़ियां या लगभग 68% से ज्यादा पेट्रोल और डीजल गाड़ियां कन्वर्ट किए जाएंगी ईवी सेक्टर के अंदर। और बहुत से स्टार्टअप्स इस पे अभी ही काम करने लगे हैं, जिसको इसका प्रोसेस का नाम मिलता है रेट्रोफिटिंग। स्टार्टअप्स प्रोवाइड करते हैं ऐसी सर्विसेज जहां पर ICE व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे ई ड्राइव, जो कि एक हैदराबाद की कंपनी है, और भारत मूवी, जो कि दिल्ली में है। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं लगभग 24% की ग्रोथ मिल सकती है रेट्रोफिटिंग सेक्टर के अंदर। तो आप क्या सोचते हैं रेट्रोफिटिंग के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन आखिरी के जो 3 स्टार्टअप है उसके लिए जरूर रखिएगा, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। लेकिन खैर, बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे आता है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सॉफ्टवेयर। हम उस जमाने पे जी रहे हैं जहां पर टेस्ला की कार PS5 से कंट्रोल की जा सकती है। और मजे की बात तो यह है, इंडियन ईवी सेक्टर में 42% स्टार्टअप ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर से नहीं काम करते, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं जानने के लिए कि उनकी गाड़ी कितनी चली है, कितनी नहीं चली है, कितनी बैटरी आपकी खर्च हुई है 2 किलोमीटर के अंदर, कितनी बैटरी चल सकती है आगे 24 घंटे के अंदर। तो इन तरीके के सॉफ्टवेयर की डिमांड
बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि जो ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान लगाते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर पे। और ईवी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आप इस चीज को बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मशीन लर्निंग और एआई की बदौलत। यार जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। प्रणव मिस्त्री इनविजिबल माउस बना रहे हैं और सिक्स्थ सेंस पे काम कर रहे हैं। ऊपर आए बटन में मैंने बताया उनके बारे में, उसको देख के जाए तो ये तो हम कर ही सकते हैं। वैसे अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है थर्ड पार्टी तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे हमने ढूंढ के निकाला है तो हमें मिला है रेबोस, जो कि ऑफर करता है B2B SaaS प्लेटफॉर्म ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इस आइडिया की डिमांड इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के माइंड से खेलेंगे, उनकी क्यूरियोसिटी से खेलेंगे और आपको बड़ी आसानी से व्हीकल परफॉर्मेंस और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी अच्छे से पता पड़ जाएगा। वैसे एक कंपनी है जो कि उनका सॉफ्टवेयर ये बता सकता है कि आपके ई व्हीकल में कौन से पार्ट में दिक्कत है, तो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ना। वैसे ये भी एक आइडिया है। खैर बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की तरफ। तीसरे नंबर पर आता है होम चार्जिंग स्टेशंस। सर्वे की माने तो 60% भारतीय 2028 तक कोशिश करेंगे कि वो अपनी ईवी सेक्टर्स को घर पर ही चार्ज करें, यानी कि चार्जिंग स्टेशंस के यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है कस्टमर एरिया में, मार्केट के अंदर। वैसे आपका मेन मोटिव चार्जिंग स्टेशंस ही होना चाहिए, लेकिन होम चार्जिंग स्टेशंस उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी खोल देगा जो कि चार्जिंग स्टेशंस पे नहीं जाना चाहते, जो कि अपनी बिजली से चार्ज करना चाहते हैं। तो आप उन्हें एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पर आपके घर के बाहर ही वो चार्जिंग पॉइंट लगा दें। सुनने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आपके घर के बाहर जो गैस पाइपलाइन लगी है, तो कभी आपने सोचा था कि वो लगेंगी? तो यही है फायदा ईवी सेक्टर का। और मुझे ये लगता है कि 2028 तक ये चार्जिंग स्टेशंस घर के बाहर लगे होंगे और इसका भी रेंट आपको देना पड़ेगा। वैसे इसका इन्वर्स रिलेशनशिप भी है। आप एक ऐसा स्टार्टअप खोल सकते हैं जहाँ पर आप लैंड प्रोवाइड कर सकते हैं होम चार्जिंग स्टेशंस के लिए, तो यहाँ पर आपको रेंट मिलता रहेगा एकदम वैसे ही जैसे मोबाइल टावर्स में एडवर्टीजमेंट लगाने के आपको पैसे मिलते हैं अगर आपके घर के ऊपर लगा हो। खैर ये कोई बिजनेस नहीं हुआ, ये एक सोर्स ऑफ इनकम हुआ, लेकिन मेरा फर्ज था आपको बताना। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। अब देखो हम जानते हैं कि बैटरी स्वैपिंग और बैटरी स्क्रैपिंग काम करेंगी, जरूर करेंगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बैटरी चार्जिंग में भी बैटरी लगती है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और फिर वही सिचुएशन आ जाएगी जो हम पेट्रोल के साथ देख रहे हैं। तो वहाँ काम करती है सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, यानी सोलर एनर्जी से आप व्हीकल चार्ज करने की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं पहले ही बता दूं ये कॉस्टली होगा और सोलर चार्जिंग स्टेशंस की मांग भी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, और सोलर एनर्जी से चार्ज करना एक नेक्स्ट चेंजिंग गेम होगा। आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल को सोलर पैनल से चार्ज करने की, तो ये चार्जिंग स्टेशंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के कॉम्बिनेशन से हम अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। वैसे ये आइडिया पसंद आया तो एक लाइक जरूर बनता है। वैसे टॉप 1 पे एक मैन्युफैक्चरिंग आइडिया है, और मजे की बात तो ये है बैटरीज रिसाइकेबल नहीं होती, बहुत सी बैटरीज नहीं होती। लिथियम आयन बैटरीज को बहुत डिफिकल्ट होता है रिसाइकल करना, तो आप नेचुरल बैटरीज क्यों नहीं बनाते एलोवेरा से? अगर कार और ई व्हीकल्स की बैटरी भी एलोवेरा से बन सकती है, तो क्यों हम लिथियम आयन का यूज करेंगे? और मजे की बात तो ये है एलोवेरा या नेचुरल बैटरीज ज्यादा एफिशिएंट होती है, कम कॉस्ट में लगती है और एकदम नेचुरल होती है, रिसाइकेबल होती है लिथियम आयन बैटरी से, तो आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वैसे कंपनी का नाम बताऊं तो LOE सेल है जो इन बैटरीज का इस्तेमाल करती है, लेकिन मार्केट कैसे करेंगे इन सब स्टार्टअप्स को, तो वो वीडियो लेफ्ट साइड में, और आगे के ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स अगर देखना चाहते हो तो वो वीडियो राइट साइड में। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।